हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमारे को दिया हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता रखा है पूरा, तो वो मैंने कट कर दिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था उसमें। सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है इसके बारे में बता रखा था, यानी बारिश के पानी को जो तुम स्टोर करते हो ज़मीन में, आप कोई टैंक बना के स्टोर कर सकते हो, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, तो उसके बारे में बताया हुआ था। फिर जो हमारा केस स्टडी यानी हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। राजकुमार हैज इंस्टॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन हिज हाउस। राजकुमार है वो अपने घर में क्या करना चाहता है, बारिश के पानी को सेव करना चाहता है। ही हैज ए रूफ विद डाइमेंशंस गिवन बिलो, और ये नीचे हमारे को एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो उसकी छत है वो दी हुई है। ये डायग्राम बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये और ये वाली लेंथ इक्वल है 13, मैंने इसलिए लिख दिया था। ये 50 है, ये भी 50 है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके अगर दो पार्ट बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये उसकी छत हो गई। अब क्या बोल रहा है, रूफ डायमेंशंस गिवन बिलो, ही नो दैट द एवरेज रेनफॉल इन सबर इज 77 पर मतलब सेंटीमीटर पर ईयर। हर साल जो बारिश होती है वो कितनी होती है, 77 सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में लगभग 77 सेंटीमीटर होती है। तो राजकुमार चाहता है इंस्टॉल करना ग्राउंड वाटर सिलेंड्रिकल रेन वाटर टैंक टू होल्ड द वाटर दैट रन्स टू द रूफ। जो बारिश का पानी छत पे आएगा उसको एक टैंक में स्टोर करना चाहता है। मैं इधर एक टैंक और बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये टैंक बना दिया, इस बारिश का पानी मान लो पाइप या किसी के भी माध्यम से वो सारा इसमें स्टोर करना चाहता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल रेन टैंक होल्ड वाटर रन्स ऑफ द रूफ। यू कैन हेल्प द राजकुमार आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आप राजकुमार को उसके उत्तर देने में थोड़ी सहायता कर सकते हैं। ये बोल रहा है ऑन एवरेज, अगर हम एवरेज पकड़े, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फॉल ऑन द रूफ ईच ईयर, हर साल छत पे कितना पानी होगा, मतलब कितनी बारिश होगी। अगर साल में लगभग 77 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से होती है, यानी एक साल में 77 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो इस छत पे कितनी बारिश होगी आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे है ना, एक कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों को कि भाई देखो छत का सरफेस बढ़ गया। भाई अगर टेढ़ी छत बनाओगे आप, झोपड़ी टाइप की छत बनाते हो तो छत का सरफेस बढ़ गया, तो वैसे सरफेस देखेंगे तो हम 50 × 13 और 13 × 50 दो बार ऐड हो जाएगा, तो एरिया जो बनेगा हमारा वो लगभग 1300 के आसपास बनेगा, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बारिश देखो आसमान से जो बारिश होगी ना वो तो उतनी ही होगी, यानी ये जो नीचे वाली जो छत है यानी फ्लैट जो छत है उतनी ही होगी ना। आप ऊपर से कितना ही सरफेस बढ़ा लो बारिश थोड़ी बढ़ जाएगी, बारिश तो उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में उतनी ही होगी। तो फिर हमें मेजर कैसे करना पड़ेगा बारिश को, बारिश को इस छत पे कितनी बारिश हुई, यानी ये डायमेंशन और ये, यानी 50 मल्टीप्लाई ये जो W दी हुई है आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया का पता चलेगा। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, देखो ये हमें 5 दी हुई है और ये 13 दी हुई है, तो हम यूजिंग पाइथागोरस पहले ये वाली साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस निकालेंगे तो मैं इसको एक बार L ले लेता हूँ, तो L² = L² + 5² = 13 का स्क्वायर हो गया, और L² = 13² - 5² यूजिंग पाइथागोरस मैं निकाल रहा हूँ इसको, तो L की जो वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर होता है 169, 25 माइनस करेंगे 144 आएगा, 144 होता है 12 का, तो लेंथ जो आ गई ये आ गई हमारी 12, और ये पूरी कितनी होगी 12 इधर और 12 इधर, क्योंकि इधर भी सेम है, तो ये टोटल हो गई 24। तो अब एरिया कितना हो गया हमारा बारिश का, एरिया जो हो गया वो हो गया हमारा 24 × 50, यानी ये लेंथ होगी और ये होगी ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, पूरी, तो ये जो टेढ़े वाला सरफेस बन रहा है इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आसमान से तो इक्वली बारिश हो रही है ना, तो ऊपर से तुम ऐसे तो हम और टम्प ऐसे बढ़ा देंगे ज़्यादा, और ज़्यादा ऐसे करेंगे तो मतलब उसके हिसाब से तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, बारिश आसमान से तो उतनी ही गिरेगी। ठीक है, हाँ इतना होगा बारिश का जो पानी होगा वो जल्दी से इधर उधर चला जाएगा, बस ये फ़ायदा होगा इसका। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है हमारा कितना, 1200 मीटर स्क्वायर। हाँ सपोज करो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हें इसका निकालना पड़े या इसका निकालना पड़े तो फिर एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तो बारिश का है तो आसमान से बारिश इक्वल गिर रही है तो इसलिए हमारा एरिया सेम हो गया, यानी 24 × 50 यानी 1200 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। एरिया का यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर। फिर हमारे को सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द टैंक हैज़ बेस डायमीटर 7। अब जो ये टैंक है ना इसका डायमीटर कितना है,
सेवन, हाउ डीप इट नीड टू बी, तो इसे कितना गहरा करना पड़ेगा भाई ये पानी पूरा इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम कितना बन रहा है, अब वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का होता है हमारा लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट पहले हम निकाल लेते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ हमारी ये 1200 आ गई, और हाइट अब ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और बोल रहा है बारिश कितनी होती है 77 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के हम मीटर बनाएंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो 0.77 हो जाएगा, 0.77 हो जाएगा। ये आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम वाटर का, वाटर का वॉल्यूम कितना आ गया, इतना आ गया, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इसके अंदर आ गई। अब ये टैंक है, तो टैंक का जो वॉल्यूम होता है वो उसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो अब मैं इस वॉल्यूम को इसके इक्वल रख देता हूँ, भाई इतना जितना पानी इसका हो रहा है टोटल वही तो इस टैंक में आएगा, और ये पानी पूरा आना चाहिए टैंक में, यानी ये 1200 इंटू 0.77 ये पूरा आना चाहिए, और हाइट हमें बतानी है, तो हाइट को मैं इधर रख लेता हूँ और पाई आर को उधर ले जाता हूँ, तो 1200 इंटू 0.77 और पाई की वैल्यू 22 ऊपर चला जाएगा 7, फिर आर स्क्वायर, आर 7/2 होगा, तो 7 और मल्टीप्लाई 2, फिर वापस से 7 और मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको काट सकते हैं, इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 7 से तो एक 7 कट गया, इस 7 से काटा ये आ गया 11, 11 टू जा 22, 2 से ये 2 काट दिया, इस 100 से ये 2 0 कट गई, ठीक है। अब क्या बच गया, 12 बच गया और 2 बच गया, तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 12 इंटू 2 यानी 24 मीटर, ठीक है, हाइट आ गई हमारी 24 मीटर। तो जो ये टैंक है इस टैंक की हाइट कितनी होनी चाहिए 24 मीटर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर इसी तरह की और केस स्टडी देखनी है तो आई बटन को टैप करें और यहाँ से और केस स्टडी आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।